सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं आ जज सिंह चाहल। अक्सर ही अपने गुमशुदगी दे पोस्टरां नूं लैके चर्चा दे विच आउण वाले गुरदासपुर तों भाजपा दे संसद मैंबर अते बॉलीवुड दे एक्टर सनी देओल इस वार किसे होर मुद्दे दे करके चर्चा दे विच आ गए ने। केंद्र सरकार वल्लों पास कीते गए खेती कानूनां दे खिलाफ पंजाब दे समेत पूरे देश दे विच किसानी अंदोलन चल रहा है। खास तौर ते पंजाब दे किसान अते केंद्र सरकार इस वेले आमो सामने आउंदे दिखाई दिंदे ने अते इस लड़ाई दे विच हुण सनी देओल वी कुद पए ने। सनी देओल ने दो चिट्ठियां लिखियां ने, एक लिखी है पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अते दूजी चिट्ठी उन्होंने पंजाब दे किसानां नूं लिखी है। जिहड़ी चिट्ठी उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लिखी है, पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं लिखी है, उस दे विच उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बेनती की है कि पंजाब दे विच गड्डियां चलाउण दे लई मुख्यमंत्री होण दे नाते उन्हां नूं रेलवे लाइनां खाली करवाउणियां चाहीदियां ने। अंदोलन करना हर एक दा हक है, पर इस दे नाल किसी होर दी आमदन ते कोई सट ना वजे इस दा ध्यान भी रख्या जाणा चाहिए। अपनी सारी चिट्ठी दे विच भारतीय जनता पार्टी दे संसद मैंबर होण दा जिम्मा निभाया है सनी देओल ने अते केंद्र सरकार किसानां दे पक्ष विच है। यह गल भी स्पष्ट करन दी कोशिश, साबित करन दी कोशिश सनी देओल दे वल्लों कीती गई है अते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं वार वार यह बेनती की गई है कि केंद्र सरकार गड्डियां चलाउणा चाहुंदी है पर पंजाब दे विच रेलवे लाइनां खाली नहीं, इस करके मुख्यमंत्री होण दे नाते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं रेलवे लाइनां खाली करवाउणियां चाहीदियां ने। यह तां हो गई पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लिखी गई चिट्ठी अते दूजी चिट्ठी सनी देओल ने पंजाब दे किसानां नूं लिखी है जिस दे विच उन्हां ने अपील की है कि हुण तुसीं अंदोलन तां कर ही रहे हो पर केंद्र सरकार ने तुहानूं मीटिंग लई सद्दा भेजिया है, इस करके तुहानूं उह सद्दा स्वीकार कर लेना चाहिए है क्योंकि काफ़ी जथेबंदियां इस गल दे पक्ष विच नहीं कि एक पासे केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब दे खिलाफ वितकरे वाला अते बदले वाला रवैया अपनाया जा रहा है, दूजे पासे मीटिंगां दे सद्दे दे रहे ने। इस तों बाद ही सनी देओल ने उन्हां नूं अपील की है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। मैं अपने किसान भरावां नूं निम्रता नाल बेनती करदा हां कि वह गलबात लई केंद्र सरकार दे सद्दे नूं स्वीकार करन। अपने इस ट्वीट दे जरिए सनी देओल ने पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां नूं केंद्र दा सद्दा स्वीकार करन दी अपील कीती है, पर इस ते सनी देओल दे इस अपील ते की कहना है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे सरवण सिंह पंधीर दा, उन्हां दा बयान तुहानूं सुणा दिंदे आ। सनी देओल जी दा बयान आ गया भी रेल ट्रैक खोलणे चाहीदे आ। सनी देओल जी, तुहानूं पता ही नहीं 21 अक्तूबर तो रेल ट्रैक खोले आ, माड़ा मोटा कुछ थोड़ा बहुत तलक लगता किसानां मजदूरां ते पंजाबियां नाल, ते तुसीं उन्हां नूं कह के मोदी जी नूं माल गड्डियां दा लांघा खिलाओ। जे हजे भी कुछ पंजाबियां ने देशवासियां ने बड़ा प्यार दिता, माड़ी मोटी कि दहेज बच गया तो इस्तीफा दे के MP तो बाहर आ जाओ तो पंजाब दे नाल देश दे नाल खड़ो, मोदी हुणां दे कहे ते बयान ना दागो। तो जिहड़ा जख्म आ किसानां मजदूरां ते उन्हां ते लून छिड़कण वाला गल ना करो। जेकर किसान जथेबंदियां ने सनी देओल नूं ठोकवां जवाब दिता है, उन्हां दे इस्तीफे की मंग कर ली है, तां विरोधी पार्टियां किवें पिछे रहण। कांग्रेस पार्टी दे बुलारे डॉक्टर राजकुमार वीरका दा भी बयान एक सनी देओल नूं लैके सामने आया है जिस विच उन्होंने भी सनी देओल दा इस्तीफा मंग लिया है। भैया सनी देओल जी, आप मई में बैठ करके आप वहां बैठ के बातें कर रहे हो, आपने कब किसानों का दर्द दुख जानने के लिए पंजाब में आए हो? आप पंजाब के MP हो, पंजाब के लोगों ने आप करके चुनके भेजा है, आपने अपनी ड्यूटी कहां निभाई है? आपको चाहिए कि BJP के तमाम पंजाब के नेताओं को साथ लो, किसानों के साथ जाओ, वहां जा करके मोदी साहब से बैठ के बात करो और वो बिल वापस करवा के आओ। अगर किसानों की बातें BJP नहीं मानती तो आप सबको इस्तीफे देने चाहिए, BJP को छोड़ देना चाहिए, या किसानों की बात माने या इस्तीफे दें। डॉक्टर राजकुमार वीरका अते किसान जथेबंदी दे नुमाइंदे दे बयान तो एक गल बिल्कुल साफ हो जाती है कि सनी देओल जिहड़े कि पंजाब बहुत घट आउंदे ने गुरदासपुर तो वह चुने गए सन अते एक बार फिर तो उन्होंने उही उलामे ये सारे लोग देंदे दिखाई देंदे ने। किसान भी कह रहे हैं तुसीं पंजाब नहीं आउंदे अते विरोधी पार्टियां भी उन्हां ते यही इल्जाम ला रही ने। पर सवाल असीं तुहाडे तो द पंजाब TV दे दर्शकों तो पुछ लेना चाहुंदे आ कि इस सारे रेड़के दे विच जिहड़ा किसानी अंदोलन पंजाब दे विच चल रहा है, केंद्र ने खेती कानून
कानून पास किए ने, इस सब दे विच तुसी सनी देओल की भूमिका नूं किवें वेखदे हो? तुहानूं लगता है कि सनी देओल ने हुण जिहड़े ट्वीट किए ने वह बिल्कुल सही समय ते किए ने जां फिर वह लेट हो गए ने? उन्हां दा ये अपीलां करनियां कैप्टन अमरिंदर सिंह अते किसान जथेबंदियां नूं अपीलां करनियां बनदियां वी ने जां फिर नहीं, जां फिर उन्हां नूं अपनी केंद्र सरकार ते दबाव बनाउणा चाहीदा? सनी देओल की भूमिका बारे तुहाडी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय खुल के बेबाक होके जरूर दिओ। तुसी बने रहो द पंजाब टीवी दे नाल। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजिर होवांगा। धन्यवाद।